हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और हमने कल टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दिया था और आज के लिए कहा था एक नया टॉपिक लेंगे जो होगा पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी। ठीक है, उसका क्या पैटर्न है, किस तरह हम क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, उसका तरीका भी। ठीक है, जैसा टाइम एंड वर्क में किए थे क्वेश्चन वैसी सेम टू सेम क्या है पाइप और सिस्टम में। बस क्या था कि टाइम एंड वर्क में क्या था, काम हो रहा था, एक व्यक्ति भी काम कर रहा था, दूसरा व्यक्ति भी कार्य कर रहा था। ठीक है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि तली में छेद हो गया कोई तो पानी बाहर निकलेगा, या एक भरने वाला टैंक है और दूसरा खाली करने वाला टैंक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे। ठीक है, वो समझ लो, उसी को लेकर चलते हैं। बच्चों, आज के लिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, है ना, जैसे टाइम एंड वर्क में किया था। क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना होता है, पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो ए भरता है कितने टाइम में, 12 घंटे में, और बी भरता है बच्चों 24 घंटे में। तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 12 और 24 का एलसीएम आया 24, इस 12 से भाग करेंगे तो आया 2, इस 24 से भाग करेंगे तो आया 1। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी तक टाइम एंड वर्क में हम ये कह रहे थे कि ये है टोटल वर्क, लेकिन क्योंकि ये पाइप और टंकी है तो इसमें टैंक भरा जाएगा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये है टोटल क्षमता। ये क्या है, ये क्षमता है टैंक की, कैपेसिटी है। ये क्या है बच्चों, टैंक की कैपेसिटी है, नहीं टैंक की क्षमता है। जो टैंक है वो टोटल 24 लीटर का है, समझ लो। ठीक है, कि टैंक जो है टोटल 24 लीटर का है, समझ लो। और ये भाग करने के बाद ये क्या आया बच्चों, तो ये आया एक घंटे का वर्क, एक घंटे का वर्क, या हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था, या हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं। किसकी स्पीड, पाइप जो पानी के पाइप हैं जो टैंक को भर रहे हैं उन पाइप की स्पीड भी कह सकते हो आप इनको। ठीक है, या पाइप की क्षमता भी कह सकते हो, ये क्षमता अलग है, ये क्षमता अलग है। ये टोटल टैंक की क्षमता, कैपेसिटी, यानी टोटल 24 लीटर या जितना भी भरा जाएगा, और ये क्षमता है बच्चों उनकी पाइपों की, जो पाइप चलते हैं, जो उनकी स्पीड है, ये उनका रेशियो है या उनकी वैल्यू है। ठीक है, चलो, अगर ये घंटे है तो घंटे का वर्क है बच्चों, ये मिनट होगा तो एक मिनट का वर्क, ये सेकेंड होगा तो एक सेकेंड का वर्क। ठीक है, अब क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि टाइम में क्या करते हैं बच्चों, जो भी वर्क है, टोटल कैपेसिटी है या टोटल जो क्षमता है, जो टोटल कैपेसिटी है, जिसको हम एलसीएम भी लिख सकते हैं, यानी जो एलसीएम निकल कर आएगा, जो भी टोटल कैपेसिटी होगी, या चलो एलसीएम मत लिखो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एलसीएम लिया है कैपेसिटी, उसको क्या करता कर देता है, वो बोल देता है कि आधा टैंक भरा है, 2/3 टैंक भरा है, तो उसमें एलसीएम नहीं आएगा, उसकी जो बची हुई क्षमता है, जो वो 2/3 या 1/4 जितना भी कह रहा है वो आ जाएगा। तो जो भी कैपेसिटी है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कैपेसिटी है टोटल, और नीचे आएगा जो भी इस कार्य को करेगा उसका एक घंटे का वर्क, एक घंटे का वर्क। तो ये फॉर्मूला था। अब हम टाइम एंड वर्क में क्या लिख रहे थे बच्चों, टोटल वर्क ऊपर लिख रहे थे, एक घंटे का वर्क नीचे लिख रहे हैं, तो बस यहाँ क्या है, वर्क की जगह कैपेसिटी है, क्षमता है टैंक की। ठीक है, क्या है, क्षमता, किसकी, टैंक की क्षमता, और एक घंटे का वर्क नीचे। ठीक है, अब जैसे कि हमसे कहा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे बच्चों, तो अगर दोनों एक साथ चला दिए जाएं, तो एक दो भरता है एक घंटे में, और बी एक घंटे में एक भरता है, तो दोनों मिलकर एक घंटे में कितना वर्क कर रहे हैं, 3। अब टाइम निकालने के लिए क्या करना है, कैपेसिटी ऊपर लिखेंगे, तो टोटल टैंक की क्षमता है 24, और करेगा कौन, दोनों मिलकर करेंगे वर्क, ए और बी, और दोनों एक घंटे में कितना वर्क कर रहे हैं, 3, तो 3 नीचे लिख दिया एक घंटे का वर्क, तो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3×8=24, मतलब 8 घंटे। इसका मतलब अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टैंक जो है बच्चों वो 8 घंटे में भर जाएगा। बताओ, समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये मेन है, बस ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस है, इसी से एक टाइप से सारा का सारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब मैं आपको बार बार ये चीजें नहीं लिखाऊंगा, इसलिए आप पहले क्वेश्चन में नोट कर लेना, लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। ए भर सकता है जो 15 घंटे में और बी भर सकता है इसको 12 घंटे, तो क्या करना है एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना है बच्चों, 60। तो टोटल क्षमता होगी 60 लीटर की, 15 से भाग करेंगे तो 4 और 12 से भाग करेंगे तो 5। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये टैंक की टोटल क्षमता है, यानी जितना वो भरा जाएगा या जितना टैंक खाली होगा, और ये है एक एक घंटे का वर्क। हमसे पूछा है कि दोनों एक साथ मिलकर, अब अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे बच्चों, तो एक घंटे में कितना कार्य कर लेंगे, ये 4 और ये 5, यानी 4 और 5 9, तो एक घंटे में 9 कार्य कर लेंगे, और करना कितना है 60। तो टाइम कैसे निकालते हैं, जो वर्क है या क्षमता है कैपेसिटी है उसको ऊपर लिखते हैं, तो कैपेसिटी कितनी है 60 लीटर की, और करेगा कौन दोनों मिलकर एक घंटे में कितना करेंगे 9, तो दोनों का एक घंटे का वर्क नीचे, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 20, तो 20/3 घंटे या 6 × 2/3 घंटे। तो 6 × 2/3 घंटे में अगर दोनों को एक साथ खो दिया जाएगा, तो दोनों मिलकर टैंक को 6 × 2/3 घंटे में भर देंगे। बताओ समझ आया, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आसान क्वेश्चन है ना। अभी क्या है बच्चों, हम बेस बना रहे हैं चैप्टर का, तो अभी आप ये सोच के मत चलना कि इतने आसान क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप ये सोच कर ही मत चलो, पेपर के हिसाब से क्वेश्चन मत देखो कभी भी। अगर पेपर के हिसाब से देखोगे तो बस पेपर के हिसाब से करते चले जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी तो सोच के चलो, अभी करो केवल चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, चैप्टर पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए, उसका जो बेसिक है उसको कंट्रोल करो आप सबसे पहले, ठीक है। चलो वही हम कर रहे हैं, इसलिए आप आसान और हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो, बस केवल एक तरह समझते चलो। जब आसान क्वेश्चन आसानी से होंगे तो बच्चों हार्ड क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, तीन पाइप ए बी और सी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे, 20 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं अलग अलग, तो तीनों एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो ये भी इसी की तरह है, बस पहले दो पाइप थे अब तीन पाइप आ गए हैं। तो पहला जो पाइप है ए, वो कितने टाइम में भरता है बच्चों, 15 घंटे में भरता है टैंक को। दूसरा पाइप बी है, बी 20 घंटे में भरता है उस टैंक को। और तीसरा पाइप सी है, वो उस टैंक को 12 घंटे में भर देता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना है बच्चों, 60। अब ये टोटल कैपेसिटी होगी टैंक की, टोटल क्षमता। 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, 20 से भाग करेंगे तो आएगा 3 और 12 से भाग करेंगे तो बच्चों आएगा 5। और बताया था इस टाइम से तो कोई मतलब नहीं है, ये है टोटल क्षमता टैंक की और ये है पाइपों की का एक एक घंटे का वर्क। तो हमें टाइम निकालना है, किसका टाइम निकालना है, तीनों का। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की ऊपर लिखेंगे तो 60 आ गई, और करेगा कौन, तीनों मिलकर। जब तीनों मिलकर करेंगे बच्चों, तो तीनों का एक दिन का, सॉरी एक घंटे का वर्क कितना है, 4, 3, 7, 5, 12। तीनों का एक घंटे का वर्क है 12, तो तीनों का एक घंटे का वर्क 12 नीचे लिख दिया, तो 12×5=60। तो ये टाइम आया बच्चों 5 घंटे। मतलब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर टैंक को कितने घंटे भर लेंगे, तो वो भर लेंगे बच्चों 5 घंटे, 5 आवर। बताओ समझ आया। तो जैसी कंडीशन 2 के लिए थी, वैसी कंडीशन 3 के लिए है, कितने भी टैंक आ जाएं, कितने भी पाइप आ जाएं, ठीक है। बस क्या करना है, एलसीएम लेना है और एक एक घंटे का वर्क निकालना है, फिर टोटल वर्क यानी कैपेसिटी ऊपर और एक घंटे का वर्क उनका नीचे, ठीक है, कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, तीन पाइप ए बी और सी किसी टैंक को क्रमशः 16 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं,
तो तीनों एक साथ मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो क्या करना है, पहले टाइम लिखो इनका, फिर एलसीएम लेंगे। तो ए भरता है बच्चों 16 घंटे और बी भरता है 12 घंटे और सी भरता है उस टैंक को बच्चों 24 घंटे। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना है बच्चों, 48, 48, 16 से भाग करेंगे 3, 12 से भाग करेंगे 4 और 24 से भाग करेंगे तो 2। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब तीनों का टाइम तो निकालना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, जो टोटल कैपेसिटी है उसको ऊपर लिखते हैं। तो टोटल कैपेसिटी क्या होता है एलसीएम, तो टोटल कैपेसिटी टैंक की है 48 और 1 घंटे में किया गया कार्य कितना है बच्चों तीनों के द्वारा, क्योंकि तीनों के बारे में पूछा है कि तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो तीनों 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, 3, 4, 7 और 2, 9। तो 1 घंटे का वर्ग कितना नीचे लिख देंगे, तो 3 दिया 9 और 3 से 16, यानी तीनों मिलकर टैंक को 16/3 घंटे भर देंगे, या 5 सही 1/3 घंटे। कौन कौन, ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ टैंक को 5 सही 1/3 घंटे में पूरा भर देंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने चारों क्वेश्चन कराए हैं, इसमें क्या था बच्चों, दोनों टैंक या तीनों टैंक, तीनों पाइप या दो पाइप या तीनों पाइप, जितने भी पाइप थे सब भरने वाले थे। अब अगर कोई पाइप भरने वाला हो, कोई पाइप जो है खाली करने वाला हो, तो क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन में अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि जो टैंक है वो कितने समय में खाली हो जाएगा या भर जाएगा। तो ऐसे में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं बच्चों, सेम नंबर मिलेगा खाली होने का और सेम नंबर मिलेगा भरने का। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करना, यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ किस तरह करना है, किस तरह आएगा, है ना, बार बार ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है तथा बी उसी टैंक को 15 घंटे में पूरा खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में पूरा भरेगा या खाली होगा। मतलब आपको यह भी बताना है कि वो भरेगा या खाली होगा, और टाइम भी बताना है कि कितने समय में भरेगा या कितने समय में वो खाली होगा। ठीक है, अब इसका मैं इसका जैसे ऑप्शन लिखे हुए होंगे बच्चों, ऑप्शन बताता हूँ अभी किस तरह होंगे। पहले आप इसको सॉल्व करते हैं। उसमें कहा ए तो भरता है बच्चों 12 घंटे में, तो ए लिख दिया बराबर 12 घंटे और बी टैंक को खाली करता है 15 घंटे में, तो बी बराबर लिख दिया बच्चों माइनस के 15 घंटे। ठीक है, माइनस का मतलब आप यही समझना कि माइनस जहां भी आ जाएगा इसका मतलब क्या है, वो टैंक खाली करेगा या टैंक वो खाली हो रहा होगा। ठीक है, तो माइनस साइन किसके लिए शो करेगा, खाली करने के लिए, और प्लस तो रहता ही भरने के लिए है, वहां प्लस लगाते ही नहीं है, वो ऐसे लिख रहा है। तो ए बराबर 12 घंटे, इसका मतलब ए 12 घंटे में टैंक को भरता है। बी बराबर माइनस 15 घंटे, इसका मतलब बी 15 घंटे में उस टैंक को पूरा खाली कर देता है। अब और किसी का तो टाइम है नहीं, क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना है बच्चों, 60। ठीक है, अब देखो 12 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 15 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4, वो भी कैसा, माइनस का। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, अब इनसे मतलब ये है दोनों एक एक घंटे का वर्ग। अब हमसे कहा गया है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो जब दोनों एक साथ कार्य करेंगे बच्चों तो दोनों का एक घंटे का वर्ग कितना होगा। तो ए और बी का अगर हम दोनों को जोड़ दें तो बच्चों इनका एक घंटे का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 - 4 यानी 1 हो जाएगा। हमने घटाया नहीं है, हमने जोड़ा है बच्चों, 5 को -4 को जोड़ा है तब कितना आया, 1 आया। इसका मतलब दोनों मिलकर टैंक को भरेंगे, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, मतलब भरने वाला पाइप भी खुले और खाली करने वाला पाइप भी खुले, दोनों को एक साथ खुले रखेंगे तब भी टैंक भरेगा, क्योंकि कितना आया, +1 आया, माइनस आता तो इसका मतलब खाली होता। तो टाइम टाइम कैसे निकालते हैं, देखो जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल क्षमता है, उसको ऊपर लिखते हैं। तो टोटल क्षमता है 60 और इसको करेगा कौन, यानी कौन भरेगा या खाली करेगा, दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, 1, इसका मतलब कितना है बच्चों, ये प्लस के 60 है, तो 60 घंटे, और क्योंकि प्लस आया है तो 60 घंटे में क्या होगा, ये भरा जाएगा यानी भरेगा। कौन कौन, ए और बी दोनों मिलकर 60 घंटे में उस टैंक को बच्चों भरेंगे, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब इसमें क्या ऑप्शन होंगे बच्चों, जैसे ऑप्शन लिखे हुए होंगे ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी और ये डी, ठीक है। तो यहाँ तो लिखा होगा, एक में लिखा होगा 60 घंटे में खाली, एक होगा 40 घंटे में खाली, एक होगा 40 घंटे में भरेगा, एक होगा 60 घंटे में भरेगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन इस तरह होंगे, मतलब जैसे 60 है, आपका आंसर आया 60, तो 60 में खाली करना भी है, 60 में भरना भी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, केवल अगर 60 एक ही बार है तो बिना देखे आप उसको टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरह दिया हो तो बच्चों देख भी लेना, क्योंकि ये कितना आया, प्लस आया है, इसका मतलब, प्लस का मतलब है भरेगा, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगर यह माइनस होता, अगर ये दोनों मिलकर खाली कर रहे होते टैंक को, माइनस आ जाता तो यहाँ भी माइनस आता, इसका मतलब क्या होता, 60 घंटे में टैंक खाली हो जाता, तब आंसर कितना हो जाता बच्चों, ए हो जाता, 60 घंटे में वो खाली। बताओ, समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरह होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पता चला कैलकुलेशन पूरी की, आंसर आया बिल्कुल ठीक, लेकिन जल्दबाजी में गलती कर दी कि 60 देखा और 60 लगा दिया पहले ही ऑप्शन, ठीक है, तो ऐसा मत करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है तथा बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरा खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में पूरा भरेगा या खाली होगा। तो बच्चों कभी कभी अगर केवल आपसे पूछे ही टैंक कितने, मतलब भरा जाएगा या खाली होगा, तो आप लोग ऐसा देख सकते हो कि ए तो भरता है, ए तो कम समय में भरता है और बी ज्यादा समय में खाली करता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तब भी टैंक बच्चों भरेगा, क्योंकि जो भरने का टाइम है वो कम है। अगर भरने का टाइम ज्यादा होता और खाली करने का कम होता, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टैंक क्या होगा, खाली होगा। तो ये चीज रटने की नहीं है, आप लोग परेशान मत हो कि रटनी पड़ेगी, हमें समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, बिल्कुल बस भरना है तो प्लस ही रहेगा और खाली करना है तो माइनस लेके चलो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। प्लस आएगा तो भरेगा और माइनस आएगा तो खाली होगा, ठीक है। जैसे कि एक इसी टैंक को 10 घंटे भरता है बच्चों, ए बराबर 10 घंटे, और बी उसी टैंक को 12 घंटे में खाली करता है, तो बी बराबर माइनस के 12 घंटे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना है बच्चों, 60। 10 से 6 बार कैंसिल और 12 से 5 बार कैंसिल, वो भी माइनस का, इससे कोई मतलब नहीं है। और हमसे पूछा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो अगर दोनों एक साथ कार्य करेंगे बच्चों, तो दोनों का 1 घंटे का वर्क कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 यानी +1, इसका मतलब दोनों मिलकर टैंक को भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60 ऊपर लिख दिया, और दोनों का 1 घंटे का वर्क कितना है, तो दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाएगा तो टैंक जो है वो 60 घंटे में क्या हो जाएगा, भर जाएगा, भरेगा, याद से बताओ, समझ आया नहीं आया। कर लेंगे ऐसा, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके जैसा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग, ठीक है। चलो एक टाइम और लिख लो इसमें, मान लो क्वेश्चन ये हो बच्चों कि ए किसी टैंक को तो भरता है 16 घंटे में और बी उस टैंक को खाली करता है 12 घंटे में, है ना। क्वेश्चन ये है कि ए किसी टैंक को 16 घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टैंक कितने समय में पूरा भरेगा या खाली होगा। तो देखो ए जो है वो बच्चों भरता है 16 घंटे में और बी जो है वो खाली करता है 12 घंटे में, तो खाली करने के लिए हमने बताया था माइनस लिखना है, तो माइनस लिख दिया। अब 12 का और 16 का एलसीएम कितना है बच्चों, 48, 48। 16 से भाग करेंगे तो 16 थी 48 और 12 से भाग करेंगे तो 12 से 48, और माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि वो खाली करता है। अब अगर दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो दोनों का एक साथ वर्क कितना होगा बच्चों, बताना जरा भाई। ए का 3 है और बी का 4 है, मतलब ए तो 1 घंटे में 3 भरता है और बी 1 घंटे में 4 खाली कर देता है, इसका मतलब अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टैंक खाली तो होगा, 1 घंटे में कितना खाली होगा, माइनस का 1 खाली होगा, माइनस का मतलब है खाली होगा। तो अगर दोनों को एक साथ खोला गया है तो जो टैंक खाली होगा, अब ये कैपेसिटी है,
ये टोटल है 48 लीटर कैपेसिटी है, टैंक की क्षमता है बच्चों। अब आप लोग थोड़ा ये समझना, अगर ये दोनों खाली कर रहे हैं इसका मतलब टैंक भरा हुआ है, ठीक है, तभी तो खाली होगा। अगर ये दोनों भरेंगे तो इसका मतलब वो टैंक खाली है, इतना भरेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करते हैं वो, इसका मतलब टैंक की क्षमता है 48 लीटर, मतलब ये 48 लीटर भरा हुआ है बच्चों। तो टोटल कैपेसिटी 48 ऊपर लिख दी, और इसको कौन भरेंगे या खाली करेंगे, दोनों मिलकर, और दोनों का 1 घंटे का वर्क कितना है, -1, तो -1 लिख दिया। तो ये कितना आया बच्चों, माइनस के 48 घंटे। तो माइनस का मतलब क्या होता है, अगली लाइन में हटा लेते हैं माइनस को, तो माइनस का मतलब है बच्चों खाली करना। इसका मतलब अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो जो टैंक है वो 48 घंटे में बच्चों पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, वो भरा नहीं जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कर लेंगे। तो माइनस अगर आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो खाली, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अभी तक जैसे कि दो दो पाइप हैं, अगर तीन पाइप आ जाएंगे, तीन की कंडीशन बन जाएगी, तब क्या करेंगे, तरीका सेम है बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है, ए किसी टैंक को 16 घंटे में भरता है तथा बी उसी टैंक को 12 घंटे में भरता है तथा सी उस पूरे भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा या खाली होगा। तो क्या करना है, पहला एलसीएम लेना है। तो ए भरता है बच्चों 16 घंटे में और बी 12 घंटे में भरता है और सी जो है वो 15 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है, इसलिए माइनस हो गया है, सी बराबर माइनस के 15 घंटे। तो 12, 15 और 16 का जो एलसीएम आया वो कितना आया बच्चों, 12 और 16 का तो कितना आया 48, और 48 में 48 × 5, 5 × 8 = 40 और 5 × 20 = 24, तो एलसीएम आया बच्चों 240। 16 से भाग करेंगे तो 16 × 16 = 80, 12 से भाग करेंगे तो 12 × 24, और जब 15 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 16, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, और ये आया माइनस का, तो ये आया बच्चों 1 घंटे का वर्क, ये आया टोटल क्षमता टैंक की। उसने कहा तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा बच्चों तो तीनों का 1 घंटे का वर्क कितना होगा, देखो 15 और 20 कितना हुआ 35, और 35 में से जब 16 माइनस करेंगे तो कितना आया 19, वो भी प्लस के, ठीक है। इसका मतलब तीनों अगर टैंक को भरेंगे, सॉरी तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तब भी टैंक क्या होगा बच्चों, भरा ही जाएगा। अब टाइम कैसे निकालते हैं, जो भी कैपेसिटी है टैंक की ऊपर लिखते हैं, तो 240 अपॉन में 1 घंटे का वर्क तीनों का, तो तीनों का 1 घंटे का वर्क कितना है 19, 19 × 19 5 × 50 हुआ, 19 × 38 कितना बचा 12, तो 12 से ही 12/19 घंटे में जो टैंक है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो भर जाएगा अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो। बताओ समझ आया नहीं आया, तो तीनों वाली कंडीशन भी सेम है, बस जहां भी खाली होना है उसको माइनस लिख लो, बाकी कितने भी पाइप एक साथ कार्य कर रहे हों सब में कंडीशन ये बननी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 15 घंटे में भरता है तथा सी उस पूरे भरे टैंक को 20 घंटे में खाली करता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा या खाली होगा। अब ए का जो टाइम है वो कितना है बच्चों 12 घंटे, और बी का टाइम कितना है 15 घंटे, और सी का टाइम कितना है -20 घंटे क्योंकि वो खाली करता है। तो 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना है बच्चों 60, 12 से 5, 15 से 4 और 20 से 3, क्योंकि ये खाली करता है इसलिए माइनस, ठीक। अब तीनों को जब एक साथ खोला गया है बच्चों तो तीनों का 1 घंटे का वर्क कितना होगा, 5 और 4 9 होगा प्लस का, और ये माइनस के 3, तो 9 - 3 कितना हुआ प्लस के 6। अब प्लस आया इसका मतलब टैंक भरा जाएगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल कैपेसिटी ऊपर लिखते हैं तो 60 लिख दी, और इसको भरेगा कौन, तीनों मिलकर, तीनों का 1 घंटे का वर्क कितना है 6,
उसको नीचे लिख दिया तो 6 ढाई 60। इसका मतलब तीनों को अगर एक साथ खो दिया जाएगा तो जो टैंक है बच्चों वो कितने घंटे भर जाएगा, वो 10 घंटे में भर जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस तरह। अच्छा एक ऐसा भी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कि टैंक खाली होगा, तो अगला क्वेश्चन नोट कर दो। ठीक है चलो ये लिख लेते हैं, ए किसी टैंक को भरता है 10 घंटे में और बी भरता है बच्चों 8 घंटे में और सी अकेला जो है वो 4 घंटे में उस टैंक को खाली कर देता है। तो अब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टैंक कितने समय में भरेगा या खाली होगा, तो क्या करना है देख लेते हैं। ए भरता है बच्चों 10 घंटे में टैंक को और बी भरता है 8 घंटे में और जो सी है वो अकेला 4 घंटे में खाली कर देता है, तो माइनस के 4 घंटे आ गए। तो 10 का 8 का और 4 का जो एलसीएम आया वो कितना आया 40। 10 से भाग करेंगे तो 10 चौक 40, 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40 और 4 से भाग करेंगे तो माइनस के 10, 4 ढाई 40। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर तीनों को एक साथ वर्क कराया जाएगा या एक साथ खोला जाएगा बच्चों तो देखना टैंक भरता है कि खाली करता है। 4 भरेगा 5 भरेगा यानी 9 भर जाएगा 10 खाली हो जाएगा, इसका मतलब कितना है माइनस के 1। मतलब तीनों को अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक जो है क्या होगा वो खाली होगा। इसका मतलब जब खाली होगा, देखो यहाँ पूछा है भरेगा या खाली होगा, अगर भरेगा तो वो खाली है तब भरेंगे उसको, अगर उसको खाली करना होगा तो उसका मतलब वो भरा हुआ है तब उसको खाली करेंगे। ये आपको अपने आप समझना है, ठीक है। ये कहीं पर क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि टैंक अगर भरा जा रहा है तो वो खाली होगा या टैंक अगर खाली होना है तो वो भरा हुआ होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। बस आपको ये समझना है कि तीनों मिलकर 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहे हैं, इसका मतलब टैंक भरा हुआ है। तो टैंक कितना भरा हुआ है 40, तो टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, टोटल कैपेसिटी ऊपर लिख दी 40 और तीनों का 1 घंटे का कितना है माइनस के, इसका मतलब माइनस के 40 घंटे आया बच्चों। और माइनस का मतलब क्या होता है खाली करना, तो तीनों मिलकर टैंक को 40 घंटे में खाली कर देंगे, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे चलो ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वही है टाइम एंड वर्क में जैसे चल रहे थे वैसे ही समझ लो, बस उसमें क्या था काम करना करना था, इसमें क्या है काम भरना भी है टैंक और खाली भी करना है, बस ये डिफरेंस आ गया, माइनस आ गया इसमें, बाकी कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि माइनस वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में नहीं बन सकते, बन सकते हैं बिल्कुल। उसमें ऐसा कह सकता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है बच्चों और कहते हैं कि बी उस कार्य को 15 दिन में खराब कर देता है, तो खराब करने का मतलब माइनस ही तो हुआ, तो वहां पे माइनस लग जाएगा, वो भी इसी तरह हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्ट्रेस हो अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमने थोड़ी सी लैंग्वेज कम कर दी है लेकिन अगर आप लोग लैंग्वेज देखना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन ये होगा, कंप्लीटली समझ लो। क्वेश्चन ये होगा लिखा हुआ कि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 12 घंटे में भरते हैं, बी और सी उस पाइप उस टैंक को 15 घंटे में भरते हैं और सी और ए मिलकर उस टैंक को बच्चों 20 घंटे में भरते हैं। यदि तीनों पाइपों को एक साथ मिलाकर मतलब तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाएं तो टैंक जो है वो कितने समय में भर जाएगा, ठीक है। तो वो हमने लैंग्वेज नहीं लिखी, केवल ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए लिख दिया है ना, आपको समझ तो आ गया होगा। ए प्लस बी का मतलब है कि ए और बी टैंक को 12 घंटे भरते हैं, बी और सी टैंक को 15 घंटे भरते हैं और सी और ए टैंक को 20 घंटे भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम एलसीएम लेंगे, तो ए प्लस बी बराबर कितना है बच्चों 12 घंटे, फिर बी प्लस सी बराबर है 15 घंटे, फिर सी प्लस ए है बच्चों 20 घंटे, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 12 15 और 20 का कितना है 7, 60, 12 से भाग करेंगे तो 5, 15 से भाग करेंगे तो 4 और 20 से भाग करेंगे तो 3, इतना तो कर ही रहे हैं और इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, इतना तो हमारे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया था बच्चों तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हो, जरूरी नहीं है कि टाइम एंड वर्क और सिस्टम ये पाइप और सिस्टम ही हो,
कोई भी चैप्टर हो उसमें अगर कंडीशन कहीं भी ऐसी बन जाए कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो आप क्या करो तीनों को जोड़ दो। तो जब जोड़ेंगे बच्चों तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b हो जाएगा और सी प्लस सी हो जाएगा 2c। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और जब इधर भी जोड़ा है तो इधर भी जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5, 4, 9, 3, 12। अब ये 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जाएगा 6, ठीक है। इसका मतलब तीनों ए बी और सी जो तीनों पाइप हैं वो एक घंटे में कितना कार्य करते हैं, 6 कार्य करते हैं। और करना कितना है 60। तो टाइम बताया था, टाइम कैसे निकालते हैं, तो जो भी कैपेसिटी है जो भी क्षमता है उसको ऊपर लिखेंगे, तो क्षमता है 60 और करेगा कौन, तीनों मिलकर, और तीनों का एक घंटे का वक्त कितना है बच्चों 6, तो 6 से भाग करेंगे तो कितना है 10। इसका मतलब अगर तीनों को हम एक साथ खोल देंगे बच्चों तो टैंक जो है वो कितने समय में भर जाएगा, तो टैंक वो 10 घंटे में भर जाएगा, या आंसर आ जाएगा। समझ आया, सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन इसी डिजिट के साथ क्या किए थे हमने, टाइम एंड वर्क में किए थे। वहां क्या होता, दिन दे रखा होता तो 10 दिन आंसर आ जाता है ना। तो कोई भी चेंज नहीं है, बस क्या है लैंग्वेज का चेंज है थोड़ा सा, बाकी आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ समझ आया, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी बराबर 15, मतलब a और b मिलकर टैंक को 15 घंटे में भरते हैं। a प्लस बी बराबर 15, b और c मिलकर 30 घंटे में भरते हैं, तो b प्लस c बराबर 30 घंटे। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना लैंग्वेज, c और a मिलकर टैंक को 10 घंटे में भरते हैं, तो c प्लस a बराबर 10 घंटे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 15, 30 और 10 का एलसीएम बच्चों कितना है 30, 15 से भाग करेंगे तो 2, 30 से भाग करेंगे तो 1 और 10 से भाग करेंगे तो 3। इससे कोई मतलब नहीं, और मैंने बताया है कि तीनों को प्लस कर दो, तो तीनों को जब प्लस करेंगे तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और c प्लस c 2c हो जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं पहले से, क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c आ जाएगा, बराबर कितना जाएगा 2 और 3 और 3 6। अच्छा 2 से जब भाग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच्चों कितना रह जाएगा 6/2 यानी रह जाएगा 3। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए बताया गया है आपको कि जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की उसको ऊपर लिखना है, तो टैंक की क्षमता कितनी है 30 ऊपर लिख दिया। अब इस टैंक को यानी 30 लीटर को कौन भरेगा, तीनों मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर, तीनों का एक घंटे का वक्त कितना है 3, तो नीचे लिख दिया कितना है बच्चों 10 घंटे। इसका मतलब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टैंक जो है वो कितने घंटे में भर जाएगा बच्चों, वो 10 घंटे में भर जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 10 घंटे। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इस टाइप का, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अब देखो अगर वो किसी एक के बारे में पूछ ले तो आपको यहाँ तक तो बच्चों ऐसे करना है, उसके बाद जिसके बारे में पूछेगा उसका एक घंटे का वर्क निकाल देंगे और फिर कैपेसिटी अपॉन एक घंटे का वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस है, देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी टैंक को 16 घंटे में भरते हैं बच्चों, ए प्लस बी बराबर 16 घंटे, B और C मिलकर उस टैंक को 12 घंटे में भरते हैं, तो B प्लस C बराबर 12 घंटे, C और A मिलकर उस टैंक को 24 घंटे में भरते हैं, तो C प्लस A बराबर 24 घंटे। अब क्या करना है, LCM लेना है इनका, तो इनका LCM 12, 24 और 16 का LCM कितना है आप बच्चों 48, 12, 16 से भाग करेंगे 3, 12 से भाग करेंगे 4 और 24 से भाग करेंगे तो 2। अब इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। अब मैंने आपको बताया था या तो तीनों के बारे में पूछे या किसी एक के बारे में पूछे, हमें क्या करना है तीनों का एक एक घंटे का वर्क, सॉरी तीनों को जोड़ना है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या करना है, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, इधर भी जोड़ेंगे 3, 4, 7 तो 9,
अब यहां से अगर देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी बच्चों कितना आ जाएगा, 9/2, 9/2 आ जाएगा तीनों का एक घंटे का बाद। लेकिन इस बार हमसे उसने ये नहीं पूछा है कि तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, इस बार केवल ए के बारे में पूछा है कि ए अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा। तो आप लोग एक बात बताओ, टाइम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल कैपेसिटी चाहिए, तो टोटल कैपेसिटी तो 48 है 48, वो हमने लिख दी। और नीचे जो भरेगा उसका एक घंटे का वर्क, तो ए भरेगा यहाँ पर तो ए का एक घंटे का वर्क आना चाहिए। अब हमें ए का एक घंटे का वर्क निकालना है। अब बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, देखो तीनों का एक घंटे का वर्क है 9/2। जब हमें ए का एक घंटे का वर्क चाहिए, इसका मतलब बी और सी को अगर हम यहाँ से हटा दें, बी और सी को बच्चों हटा देंगे आप लोग, तो क्या बचेगा ए, तो ए का एक घंटे का वर्क आ जाएगा। तो बी और सी का एक घंटे का वर्क कितना है, तो बी और सी का एक घंटे का वर्क है 4, यहाँ लिखेंगे। तो ए प्लस 4 बराबर 9/2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 9/2 माइनस के 4, 4 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 × 8, तो ए बराबर जाएगा 9 - 8 यानी 1/2। तो ये ए का एक घंटे का वर्क आ गया, तो ए का एक घंटे का वर्क नीचे लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा टाइम, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो टी बराबर जाएगा 48 × 2 बच्चों 96 यानी 96 घंटे। तो ए अकेला उस टैंक को कितने समय में भर देगा बच्चों, 96 यानी 96 घंटे में ए अकेला टैंक को भर देगा। बताओ समझ आया नहीं आया, तो किसी के बारे में पूछेगा तो उसका हमें क्या करना है, सबसे पहले एक घंटे का वर्क निकालना है, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देख अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी टैंक को 20 घंटे में भरते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 20 घंटे, बी और सी मिलकर 30 घंटे में भरते हैं, तो बी प्लस सी बराबर 30 घंटे, और सी और ए मिलकर 24 घंटे में भरते हैं, तो सी प्लस ए बराबर 24 घंटे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 20, 30 और 24 का एलसीएम लॉक लो। तो देखो 6 × 24 20 और 30 का कितना आया 60, और 12 × 24 12×5 = 60 यानी 600 एलसीएम आया बच्चों। 20 से भाग करेंगे तो 30, और 30 से भाग करेंगे तो 20, सॉरी 30 से भाग करेंगे तो 20, और 24 से भाग करेंगे तो 24 × 48 12×24 = 120, सॉरी इसका एलसीएम आ जाएगा 5 से भाग करेंगे तो 120 एलसीएम आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम कितना आया बच्चों 120। देखो 20 से भाग करेंगे तो 6, 30 से भाग करेंगे तो 4, और 24 से भाग करेंगे तो 5, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, 120 टोटल क्षमता हो गई, ये एक एक घंटे का वर्क हो गया। अब हमें बी के बारे में पूछा है, तो बी का एक घंटे का वर्क निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, और जब जोड़ते हैं तो 2a + 2b + 2c आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, 4, 10, 5, 15। तो यहाँ से अगर हम निकाल दें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, तो 15/2। अब क्योंकि हमें b के बारे में पूछना है, b के बारे में पूछा गया है, तो b का टाइम निकालना है, तो अगर हम यहाँ से a और c को हटा दें तो केवल b का एक घंटे का वर्क बचेगा। अब a और c का एक घंटे का वर्क कितना है बच्चों, 5, तो a प्लस सी की जगह 5 लिख दिया, प्लस बी बचा बराबर 15/2, तो b बराबर हो जाएगा बच्चों 15/2 माइनस 15/2 माइनस 5, और 2×5 = 10, तो 15 - 10 कितना हो जाएगा 5, तो ये b का एक घंटे का वर्क आ जाएगा। अब टाइम कैसे निकालना है, टाइम के लिए बताया गया है कि जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल क्षमता है, उसको तो ऊपर लिखेंगे, तो 120 लिख दिया। अब इसको जो भरेगा उसका एक घंटे का वर्क नीचे लिखेंगे, तो इसको भरेगा b, तो b का एक घंटे का वर्क कितना है 5/2 नीचे लिख दिया। अब 2 ऊपर जाएगा, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 24, और 2×24 कितना हो जाएगा 48। तो B जो है वो अकेला टैंक को कितने घंटे भर देगा बच्चों, वो 48 घंटे में उस टैंक को पूरा भर देगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। अच्छा मान लो आपसे ये पूछ ले, इसी में एक साथ ही पूछ ले, किसी एक का ना पूछे, केवल ये पूछ ले
कि सबसे जल्दी टैंक को कौन भरेगा, केवल ये पूछ रहे कि कौन भरेगा। तो बताओ कौन भरेगा, कैसा पता करेंगे? क्या तीनों का अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा? नहीं बच्चों, ऐसा मत करना, टाइम लगेगा। आप लोग ऐसा करना, अगर आपसे पूछे कि तीनों में सबसे जल्दी टैंक को कौन भरेगा, जो ज्यादा वर्क करेगा 1 घंटे में वही तो टैंक को जल्दी भरेगा, जो कम काम करेगा, जो कम भरेगा टैंक 1 घंटे का वर्क जिसका कम होगा वो टैंक को ज्यादा समय में भरेगा। इसका मतलब तीनों का अगर आप 1-1 घंटे का वर्क निकाल देते हैं तो उसी से अंदाजा हो जाएगा कि टैंक जो है कितने समय में बच्चों भरेगा या सबसे जल्दी कौन भरेगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी टैंक को 24 घंटे में भरते हैं। ए प्लस बी बराबर 24 घंटे। बी और सी मिलकर उस टैंक को 30 घंटे में भरते हैं, तो बी प्लस सी बराबर 30 घंटे। फिर सी और ए मिलकर उस टैंक को 40 घंटे में भरते हैं, तो सी प्लस ए बराबर 40 घंटे। तो हमसे कहा गया है कि तीनों में सबसे जल्दी टैंक को कौन भरेगा बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना है बच्चों? 120। 24 से भाग करेंगे तो 5, 30 से भाग करेंगे तो 4 और 40 से भाग करेंगे तो 3। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब मैंने आपको बताया सबसे जल्दी कहा है, तो जो सबसे ज्यादा कार्य करेगा, जो 1 घंटे में सबसे ज्यादा कार्य करेगा वही तो टैंक को सबसे जल्दी भर देगा, है ना। तो देखो क्या करते हैं, पहले इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2a + b + c बराबर 5, 4, 9, 3, 12। तो 200 भाग करेंगे बच्चों, तो a + b + c बराबर कितना आया, 6। तीनों का 1 घंटे का वर्क आ गया 6। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है बच्चों, कि हम ए का, बी का और सी का 1-1 घंटे का वर्क निकालेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ देंगे, ये तो इंटीजर वैल्यू है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। भाई बच्चों अगर हम a + b = 5 यहाँ लिख दें, अगर हम a + b की जगह 5 लिख देंगे तो 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 - 5 = 1। तो c का 1 घंटे का वर्क कितना है, 1। ठीक है, फिर अगर हम b + c = 4 लिख देंगे, अगर b और c की जगह अगर हम 4 लिख देंगे बच्चों, तो 4 उधर जाएगा, तो 6 - 4 = 2 हो जाएगा। तो ये किसका मान आएगा, 1 का, 2 आया। अच्छा तीनों की वैल्यू है 6, उसमें से 2 ये है और 1 ये है, 3, तो b कितना आया, 3 बचा। भाई 2, 1, 3 और 3, 6, क्योंकि तीनों का मान 6 है। या आप लोग ऐसा कर लो कि c और a की जगह 3 लिख लो, जब c और a की जगह 3 लिखेंगे और ये 3 दूसरी साइड जाएगा, तो 6 - 3 = 3 बचेगा, और इधर से क्या बचेगा, b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये क्या है बच्चों, ये उनकी स्पीड ही तो है, किसकी, पाइप, जो पाइप है, पानी के जो पाइप है उनकी स्पीड है। स्पीड कह सकते हो या 1 घंटे का वर्क कह सकते हो। तो सबसे ज्यादा जिसकी स्पीड है उसी को तो सबसे कम समय लगेगा, वही तो सबसे जल्दी भरेगा। सबसे जल्दी का मतलब है जो कम समय लेगा, तो सबसे कम समय कौन लेगा बच्चों, बी, ये आंसर आ जाएगा। तो बी जो है उस टैंक को सबसे जल्दी भर देगा। ठीक है, अगर आप टाइम निकालेंगे इसका, चलो अगर आप टाइम निकालने लग जाए तीनों का, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो टाइम निकाल लो। चलो टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, टोटल कैपेसिटी ऊपर और 1 घंटे का वर्क नीचे, टोटल कैपेसिटी ऊपर और 1 घंटे का वर्क नीचे, टोटल कैपेसिटी ऊपर और 1 घंटे का वर्क नीचे। ये ए का समय, ये बी का समय और ये सी का समय, इतना इतना टाइम लग जाएगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा बच्चों, 60 घंटे, बी को टाइम लगेगा 40 घंटे और सी को टाइम लगेगा 120 घंटे। तो आप बताओ सबसे जल्दी यानी सबसे कम समय किसने लिया, तो सबसे कम समय लिया बच्चों 40 घंटे का, और किसने लिया, ये बी ने। तो हमने यही तो कहा था कि सबसे जल्दी कौन भरेगा, तो बी भरेगा, बी आंसर आ गया। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप 1-1 घंटे का वर्क निकालेंगे उसी से पता चल जाएगा कि जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वही टैंक को सबसे जल्दी भरेगा, जिसकी स्पीड सबसे कम है वो टैंक को सबसे देर से भरेगा। तो सबसे कम स्पीड इसकी है तो देख लो सबसे ज्यादा समय लेता है। ठीक है, तो बताओ समझ आया नहीं आया, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं,
आज पढ़ाया गया है आपको चैप्टर का बहुत बेसिक चीज़ें, ठीक है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें से आपको सवाल क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे पेपर में, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से बनता है बच्चों। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, इतने आसान क्वेश्चन, इतने बेसिक क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तो बड़े या लेंथी क्वेश्चन या थोड़े टिपिकल टाइप वाले क्वेश्चन, डिफरेंट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बेसिक से ही जुड़ा हुआ है सबसे चीज़ें। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एक घंटे का वक्त निकालना पड़ेगा, ये चीज़ें तो सब में करनी ही पड़ेंगी। इसलिए बच्चों बेसिक सिखाया है मैंने, मैं आपको ये लेकर नहीं चल रहा हूँ कि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ देखा गया है, आप भी देखना, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस टाइप से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको करना, अच्छे से करना, और चलो फिर मिलते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक यानी अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए बच्चों बाय, ओके, थैंक यू क्लास।